हीरो सुपर कप का ग्रुप स्टेज समाप्त हो चुका है और अब नॉकआउट की बारी है। पहला सेमीफाइनल बेंगलुरु एफसी और जमशेदपुर एफसी के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो बेंगलुरु ने 3 मुकाबले खेलते हुए 1 में जीत हासिल की थी, तो वहीं उनके 2 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए थे। दूसरी तरफ जमशेदपुर की बात करें तो उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। जमशेदपुर ने ग्रुप स्टेज में खेले अपने 3 मैच जीते और लगातार 3 जीत के साथ उनके हौसले काफ़ी बुलंद होंगे। सेमीफाइनल मुकाबले में जब जमशेदपुर बेंगलुरु के खिलाफ उतरेगी तो वे एक और जीत हासिल करके फाइनल में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं इस मैच में दोनों टीमों से कौन से खिलाड़ी अहम हो सकते हैं और इन दोनों टीमों का आपस में अब तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है। इसके अलावा मैच को कब, कहां और कैसे देखा जा सकता है। सबसे पहले अगर बात करें इन दोनों टीमों के हेड टू हेड प्रदर्शन की, तो अब तक जमशेदपुर और बेंगलुरु के बीच कुल 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 6 मैचों में बेंगलुरु ने जीत हासिल की है, तो वहीं 4 में जमशेदपुर को जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच अब तक 3 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। शुक्रवार को दोनों टीमें 14वीं बार आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगी। बेंगलुरु की बात करें तो उनके लिए गुरप्रीत सिंह संधू, हावी हर्नांडेज और सुनील छेत्री काफ़ी अहम हो सकते हैं। गुरप्रीत की बात करें तो उन्होंने ISL में 7 क्लीन सीट हासिल किए थे। वर्तमान टूर्नामेंट में भी 1 मैच में वो क्लीन सीट ले चुके हैं। गुरप्रीत वर्तमान समय में भारत के सबसे बेहतरीन गोलकीपर्स में से एक हैं। ऐसे में उनसे बेंगलुरु को काफ़ी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हर्नांडेज की बात करें तो वर्तमान टूर्नामेंट में उनका बेस्ट देखने को मिला है। अब तक वो इस टूर्नामेंट में 2 गोल दाग चुके हैं। मिडफील्ड में खेलने वाले हर्नांडेज के पास स्किल और क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। वे मिडफील्ड से गेम को चलाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर गोल भी करने में सक्षम रहते हैं। इसके अलावा सुनील छेत्री की अगर बात करें तो बेंगलुरु के किसी भी मैच से उन्हें बाहर कर पाना आसान नहीं है। भारतीय फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक छेत्री का मैदान पर मौजूद होना ही विपक्षी टीम के लिए एक बड़ा दबाव जैसा होता है। छेत्री की फॉर्म कैसी भी हो, लेकिन जब वो मैदान पे होते हैं तो विपक्षी टीम पर अपने आप एक दबाव बन जाता है। जमशेदपुर के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो इमैनुअल थॉमस टीम के सबसे अहम खिलाड़ी हो सकते हैं। थॉमस ने मिडफील्ड से लगातार गेम को चलाया है और उनके पास गेम को रीड करने की बेहतरीन स्किल है। गेंद पर कंट्रोल के साथ ही गेम के टेम्पो को सेट करना उनकी खासियत है। वर्तमान सीजन में जमशेदपुर ने जो भी सफलता हासिल की है उसमें थॉमस का योगदान काफ़ी अधिक रहा है। रफाइल क्रिवेलारो भी एक ऐसे प्लेयर होंगे जिनसे जमशेदपुर को काफ़ी उम्मीदें होंगी। क्रिवेलारो ने FC गोवा के खिलाफ सीजन के पहले मैच में 2 गोल दागे थे। ये खिलाड़ी भी मिडफील्ड में खेलता है, लेकिन इसके पास भी अपने दम पर गेम को बदलने का पूरा क्षमता है। इसके अलावा फारूक चौधरी और ईशान पंडिता के रूप में टीम में 2 युवा फॉरवर्ड खिलाड़ी मौजूद हैं जिनके पास गोल करने की स्किल है। ये खिलाड़ी कभी भी टीम के लिए अच्छा योगदान देकर एक आध गोल निकाल सकते हैं। मैच शुक्रवार को शाम 7:30 बजे से खेला जाना है। इसका लाइव प्रसारण सोनी नेटवर्क पर किया जाएगा। अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है तो आप फैनकोड ऐप या वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इंडियन फुटबॉल से जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।